फ्रेंड्स वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का 8 अक्टूबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करता है और ए प्लस सी उसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 72, 18 चौक 72, 24 3 72, 36 2 72। ए और बी एक दिन में 4 काम करता है, बी और सी एक दिन में 2-3 काम करता है और ए और सी एक दिन में 2 काम करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम कितना हो गया? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसको जब आप जोड़िएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। ठीक है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम कितना हो गया? 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 3 2 5 4 9 हो गया यहाँ पर। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4.5। तो काम कितना करना है? 72। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 45 हो गया, 4.5, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको कट कीजिए, तो कट करेंगे तो कितना मर्त में जाएगा? देखिए 45 5 5 9 मर्त में यहाँ हो गया 5 2 5 5 20 2 5 5 20, 144/9 हो गया। फिर 3 से काट देते हैं, 3 6 3 9 3 4 12, 3 8 24, और इसको फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 6 18, 16 आपका आंसर हो गया। मतलब 16 दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा नहीं आ रहा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक क्वेश्चन रोम्बस से आया है, रोम्बस से आया है कि एक रोम्बस दिया हुआ है, इसका डायगोनल दिया हुआ है D1 और इसका डायगोनल दिया हुआ है D2। तो पूछा गया है इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया बराबर हाफ D1 इंटू D2, आप जानते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैल्यू नहीं पता है, बस इसका आपको वैल्यू कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया इससे निकल जाएगा आपका रोम्बस का। रोम्बस का मतलब चारों साइड जिसका बराबर हो और डायगोनल दोनों बराबर हो। ये जब डायगोनल ओ पर कटता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है ये आसान ही क्वेश्चन आ रहा है आपको। एक आया है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ से ये क्या दिया हुआ है, θ1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है θ2 दिया हुआ है। देखिए हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं करने का, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से कोई वैल्यू आप लोग पुट कीजिएगा। क्वेश्चन बस ये आया है कि एक खंभा है जिसका हाइट क्या है, एच दिया हुआ है और यहाँ पर एक कोई आदमी है जो चलता है, यहाँ से डी डिस्टेंस तक चलता है, तब थीटा का एंगल जो होता है वो θ2 बन जाता है। यहाँ पर एंगल जो है θ2 बनता है। तब यहाँ पर पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस वो चला, हाइट आपको दिया रहेगा, θ1 दिया रहेगा, θ2 दिया रहेगा, तो हाइट आपको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो d बराबर h cot θ1 माइनस cot θ2। अब इससे क्या होगा कि आपको ये फार्मूला अगर याद है तो आपको अगर हाइट पूछा तो हाइट निकाल दीजिएगा, डी पूछा तो डी निकाल दीजिएगा, कुछ भी पूछेगा कुछ भी नहीं, इस फार्मूला पर क्वेश्चन आपको आ जाया है तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x इक्वल टू √3 + 2 दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को निकालना है x + 1/x। तो सिंपल सा हम आपको पहले भी बात बताए थे, √3 + √2 है यहाँ पर। तो 1/x निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए 1/x इक्वल टू 1/√3 + √2 लिख सकते हैं इसको, इसको ऊपर नीचे √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 - √2 हो जाएगा और a माइनस b क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो नीचे में 1 हो गया। तो आपको डायरेक्ट इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है हम बता देते हैं आपको। आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x दिया हुआ है, 1/x आपको निकालना है, तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो जब अगर 1 डिफरेंस है तो माइनस में डायरेक्ट लिख दीजिएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ से x + 1/x आपको निकालना है, तो ये क्या हो गया, √3 + √2 और यहाँ पर हो गया √3 - √2, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2√3 आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, 2√3 आपका आंसर हो गया। चलिए देख
प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री दे दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट का भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन छूटता है उसको ले लिया जाता है। तो देखिए, हम डायरेक्ट आपको इसको निकालने के लिए बताए थे, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री, और उधर से आके दो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। अब कैसे हो गया, हम डिटेल में भी आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं। स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिए, ठीक है, दोनों साइड कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी इक्वल टू यहाँ पर थ्री होगा। ये एक्स एक्स खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थ्री माइनस टू हो जाएगा, ये हो गया वन, वन आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन डिवाइड एक्स माइनस वाई भी यहाँ पर ये दिया हुआ है, सेवन बाई थ्री, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई सेवन बाई थ्री है, तो हम लोग को निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 16, 29, दूसरा है 29, 16, तीसरा है 29, 21, 21 और यहाँ पर है 21, 29। अब सिंपल सा बात सोचिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि देखिए आप लोग चीज़ों को समझिए, यहाँ पर x प्लस वाई सेवन और x माइनस वाई थ्री है, हम लोग इसको सॉल्व तो करके बना सकते हो आप आराम से, कुछ नहीं है, जैसे आपको डिटेल में बताएंगे, मगर शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है विद इन सेकेंड में। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर आप कुछ भी करोगे तो एक्स प्लस वाई तो सेवन ही है, सेवन, और यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई है थ्री, तो ये क्या हो गया, 21 होगा, मतलब 21 तो नीचे में आना ही पड़ेगा, 21 को तो आना ही आना है। तो अब देख लीजिए 21 को आना ही आना है, तो 21 सिर्फ ऑप्शन थर्ड में है, तो आपका थर्ड आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 29/21। और अगर आपको डिटेल में करना हो, डिटेल में इस क्वेश्चन को करना हो, तो कुछ नहीं करना है, देखिए डिटेल में कैसे होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन के, एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री के, 2x इक्वल टू टेन के, एक्स इक्वल टू फाइव के हो गया, और y इक्वल टू टू के, ठीक है, 5 के पुट करेंगे इसमें तो y इक्वल टू टू के आ गया। अब देखिए पुट कर दीजिए, x का वैल्यू क्या है 5 के, तो 25 के स्क्वायर, और y का वैल्यू 2 के, तो 4 के स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो ऊपर में क्या हो गया 29 के स्क्वायर और नीचे में हो गया 21 के स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर खत्म हो गया, तो 29/21 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया था और आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने के लिए, आप कर सकते थे आराम से। देखिए नेक्स्ट, इंजीनियर दिया हुआ था, ठीक है, इंजीनियर, ह्यूमन बींग, और आपको दिया हुआ है लॉयर, ठीक है, वकील, इंजीनियर मानव या फिर वकील, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही दोनों प्रोफेशन आता है, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं कुछ लोग लॉयर बनते हैं, तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो ऐसा आपको वेन डायग्राम इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डीप दिया हुआ है, डीप इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 120, होप का दिया हुआ है, एच ओ पी ई होप दिया हुआ है 176, तो रिवाइव का पूछा है, आर ई वी आई वी ई, रिवाइव का क्या होगा वैल्यू ये पूछा गया है। तो डीप का देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होता है 4, ई का 5, ई का 5 और पी का क्या होता है ओ पी 16, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 16 4 20 और 10 30, और इसको अब देखते हैं, पहले यहाँ पर हो गया 8, ओ का होता है 15, पी का होता है 16 और ई का होता है 5। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए 15 5 20 और 10 30, 30 और 5 35 एक 36, 36 4 40 और 4 44 44। अब देखिए 30 में अगर इंटू 4 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 120 आ जा रहा है,
इसमें भी इंटू फोर कर देते क्या आ जा रहा है 16, एक 176 आ जा रहा है, तो इसका भी उसी तरह करेंगे। आर का क्या हो जाएगा 18, ई का 5, वी का 22, आई का 9, वी का 22 और इसका ई का 5। तो ये इसको जोड़ेंगे तो देखिए 18, 19, 20, 20 और 20 40 हो गया, 40 अभी 60 अदो 62 हो गया, 62 और 8 हो गया आपको 71, 71 और 4 75 76 और 76 और 5 81, 81 इंटू 4 कर दीजिए यहाँ पर, और चौके 32, मतलब 324 जो है ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो आया है वो आपको कॉमन एरर, जिसे कॉमन मिरर इमेज जो होता है, कॉमन मिरर इमेज उससे होता है, मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये हर शिफ्ट में आता है, हर बिना गैप का ही आ रहा है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तीसरा हो गया एंगल निकालना थीटा। देखिए आपको ये जो भी मिरर इमेज रहेगा यदि क्लॉक में आएगा तो 12 में से उसको घटा देना है, ये फॉर्मूला होता है, 12 में से उसको घटा दीजिए। जैसे 9:30 का मिरर इमेज पूछा गया तो 12 बजे में से 9:30 घटा दीजिए, जो बचा वो मिरर इमेज हो गया। इसका 18:30 में से घटाना है वाटर इमेज में, अगर यही 9:30 का अगर वाटर इमेज पूछा गया तो 18:30 में से इसको घटा दीजिए। थीटा निकालने के लिए पूछा गया, मान लीजिए 9:30 का ही थीटा निकालने के लिए पूछ लिया तो 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, तो m के जगह 30 पुट कर दीजिए, h के जगह 9 पुट कर दीजिए और जो आएगा वो आप पुट कर लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है मगर दूसरे शिफ्ट में आया था, मतलब कि दूसरे पीछे एग्जाम में आया था, आज का नहीं पता चला कि मिरर इमेज वाटर इमेज में क्या आया है, मगर हम आपको एग्जाम्पल बता दी, ये फॉर्मूला होता है, तीनों आप लोग देख लीजिएगा। साथ में डाइस, डाइस का क्वेश्चन आ रहा है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, तो डाइस का पूरी तरह से बताए हैं। अगर आप डाइस मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक का कोई भी डाइस का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वाटर इमेज का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है, उसको भी देख लीजिए। और साथ साथ में देखिए कट ऑफ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिए आप लोग जाके, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग को हेल्प मिल रहा है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हाँ मेरा इतना अटेम्प्ट करना होगा हमको, तो आप अगर एग्जाम दिए हो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि हम, देखिए हम भी तो जो प्रोवाइड किए हैं आपको फीडबैक के साथ ही किए हैं, जो लड़का लोग से पूछा गया है जिसके अनुसार उसको किया गया है, क्योंकि लोग को लगता है कि अगर हम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं तो हमको तो बस 60 आ ही जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है भाई। लोग एएलपी में भी 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लोग 75 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और आज 35 नंबर का लाले पड़ गए हैं लोग को। तो अटेम्प्ट करना और सही करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, खास करके निगेटिव मार्किंग में। आपको पता नहीं है कि 10 क्वेश्चन भी गलत गया तो 10 तो गया है, साथ में 5 नंबर और गया, 15 गया आपका, मतलब 65 अटेम्प्ट किए थे तो आप आ गए 50 पर लगभग। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेगा मगर ये ऐसा होता है। और खास करके कट ऑफ कम जाने का रीज़न दो है, क्योंकि देखिए जो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो टेक्नीशियन और एएलपी और ग्रुप डी भी भरे हुए हैं, तो जिनको एएलपी में ड्राइवर और टेक्नीशियन मिलेगा वो कभी भी ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, वो तो अपना जाएंगे एएलपी ड्राइवर में। वहाँ एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया सीट ज़्यादा है, और तीसरा फैक्टर हो गया फिजिकल भी है, ठीक है। ये सारे फैक्टर मिलाकर कट ऑफ जो है जितना है उतना ही रहेगा या उससे थोड़ा कम ही होगा, बेसी तो नहीं जाएगा कोई।